नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एक्सपी चैनल पर। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है और अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको ज्ञान एक्सपी के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो ये हाल ही के दिनों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी। तो जयराम ठाकुर जी ने ही पुलिस की सहायता के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ जी और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक तो शिमला है और एक है धर्मशाला। शिमला जो है ये गर्मियों की कैपिटल है और धर्मशाला ठंडी के लिए कैपिटल बनाई गई। अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी आयोजित किया गया है और मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की, तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है, किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो हाल ही के दिनों में अभी बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार की कैपिटल है पटना और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के भी गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल परिसर और नो बैग डे शुरू करने का भी फैसला किया है, यानी कि स्कूलों में इनके खेल परिसर अनिवार्य रहेगा और एक दिन कोई होगा जिसमें बैग नहीं लाना होगा स्टूडेंट्स को। और फ्लिपकार्ट ने बिहार में भी कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अभी बिहार में मिला है। अगर हम बात करें बिहार में नेशनल पार्क की, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क और पलामू नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 2022 सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो 2022 का सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स अभी जीता है सार्जिया पेरेज ने। अच्छा, सार्जिया पेरेज कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मैक्सिको के रहने वाले हैं और ये रेड बुल की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं। और सार्जिया पेरेज ने अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन भी जीता है। और अगर बात करें 2022 डच फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। और सेबेस्टियन बेटल ने भी फार्मूला वन से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो सेबेस्टियन बेटल ने। और फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। ब्रिटिश फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सैंज। आइए क्वेश्चन नंबर चार की बात करें, तो किस देश ने अपने एकीकरण की याद में एकता दिवस मनाया है। तो अभी जर्मनी ने अपने देश के एकीकरण के लिए एकता दिवस मनाया है। अब बात करेंगे हम जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल है वर्लिन और करेंसी यूरो। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर। अच्छा, जर्मनी के चांसलर कौन है, तो उलाफ स्कॉच यहाँ के चांसलर है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें और
अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है, तो मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो ये है स्वाते पाम्बो को। स्वाते पाम्बो को मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज मिला है। अब हम बात करें स्वाते पाम्बो की, तो स्वाते पाम्बो एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं और उन्होंने नियंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, बात करें नोबल पुरस्कार की, तो नोबल पुरस्कार वर्ष 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और शांति का नोबल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। अच्छा, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। अब हम बात करें अगर नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो नोबल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल की याद में। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के महान रसायन विद और इंजीनियर थे। अगर हम बात करें कि 10 दिसंबर को नोबल फाउंडेशन द्वारा इनकी पुण्यतिथि के दिन यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। बात करें अगर 1901 से 5 राज्यों को और इसमें ऐड किया गया, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र हैं जिन्हें और इसमें ऐड कर दिया गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स में कितने पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो अभी 10 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये HAL के द्वारा विकसित किया गया है। और बात करें HAL की, तो HAL की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1900 सॉरी 23 दिसंबर 1940 को। HAL का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटक के, और इसके अभी अध्यक्ष और MD हैं आर माधवन। अगर हम बात करें एयर चीफ मार्शल की, तो ये अभी है BR चौधरी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद समाप्त हो गया है? दोस्तों, भारत का जो मंगलयान मिशन था, ये 6 महीने के लिए भेजा गया था, और यह 8 सालों तक चलता रहा, और 8 साल बाद अभी ये समाप्त हो गया है। अच्छा, ये समाप्त क्यों हो गया? तो ईंधन समाप्त होने के कारण ये समाप्त हुआ है। अच्छा, मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह मिशन 450 करोड़ रुपए में लॉन्च हुआ था। बात करें हम इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी कब? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है, और इसके अभी अध्यक्ष हैं S. सोमनाथ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी मेघालय के राज्यपाल के रूप में BD मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी थे। सत्यपाल मलिक जी का कार्यकाल अभी समाप्त हो गया 3 अक्टूबर को, तो BD मिश्रा जी को मेघालय के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं मेघालय की, तो मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, और मेघालय के अभी चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा।
दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका सही आंसर है सैमसंग इंडिया के साथ। और आज का क्वेश्चन है सीआरपीएफ के महानिदेशक अभी कौन बने हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से आपको सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपके करंट अफेयर पिछले कुछ दिनों से नहीं हो पाई थी लेकिन हम इसे अब कंटिन्यू करेंगे। आप लोग करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।